ग्रैंड i10 डीजल इंजन है। अब इसके हम डालने जा रहे हैं रिंग। रिंग आपको बता दें डीजल गाड़ी के इस तरीके से हम डालेंगे, इस तरीके से हर डीजल गाड़ी के रिंग पड़ सकते हैं, जिससे कोई भी डीजल गाड़ी हो उसमें पड़ सकते हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं रिंग, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। इसमें एक नंबर के तीन पिस्ट, वो तीन रिंग है, दो नंबर के तीन रिंग है, तीन नंबर के तीन रिंग है। इसमें ऑयल रिंग है, इसमें छह रिंग होते हैं, एक वो स्प्रिंग टाइम में होता है। और इसी तरीके से हम देखिए टॉप रिंग हमने निकाल लिया इसका, हमने वो इसका गैप चेक करी थी। गैप आपको दिखा दें, ये कंप्रेसर रिंग के भी गैप हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए, देखिए गैप बिल्कुल सेटेस्ट टाइम, जिसका कंप्रेसर रिंग है। अभी हमने गैप चेक करने के लिए निकाला था हमने ये, और सबसे पहले पड़ता है इसका ऑयल रिंग जो है, जो होता है इस टाइप का। ये देखिए कुछ इस टाइप का होता है, और इस पर लिखा होता है, आपको दिखा दें, ये देखिए हल्का सा बारीक सा दिख रहा नहीं, दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, लेकिन होता है इस पर। अब इसे इसको हम डालेंगे, पहले इसको प्लेस पहले ये चीज़ पड़ती है इसका स्प्रिंग, ये स्प्रिंग पड़ता है इसको, स्प्रिंग को हम देखिए पहले पिस्टन में स्प्रिंग को डाल देंगे। स्प्रिंग को डाल के फिर आपको दिखा रहे हैं इसका रिंग डाल दिया जाए, ऑयल रिंग जो स्प्रिंग होते हैं। यहाँ पर देखिए ज्वाइंट इसका, यहाँ पर थे ये लेकर जाता है, ये ज्वाइंट आपको दिखा दें, ये वाला कट है इसके जस्ट, जैसे जे यहाँ पर है जस्ट इसके सामने, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर बिल्कुल जस्ट इसके सामने रहेगा ये वाला कट जो होता है, ये इसमें कट बना है यहाँ पर, जहाँ से जो रिंग निकलता है। देखिए गैप हो गई यहाँ पर इस, ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये गैप हो गई। इसी तरीके से ये वाला जो कट होता है वो इस वाले कट कट के निशान से सामने, बिल्कुल जस्ट इसके सामने रहता है। अभी इसको हम डालेंगे इसमें, फिर आपको दिखा रहे हैं। डाल के मैंने ऑयल रिंग को डाल दिया है, देखिए जो वाला कट, जो वाला कट इसका जो स्प्रिंग का कट होता है वो ने जस्ट इसके बिल्कुल पीछे रखा है इस टाइम। अब रिंग को सिर्फ डालने सेट बाद में करें, इसके लिए ऐसे डाले दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर रखा है बिल्कुल जस्ट इसके सामने, जो वाला कट हो गया जस्ट इसके पीछे की साइड मैंने रखा है। अब इसका पड़ेगा कंप्रेसर रिंग जो होता है दो नंबर में, ये देखिए इस पर देखिए लिखा है, बहुत बारीक सा लिखा है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा वीडियो में, दिखा दूँ आपको, इस पर लिखा है MS टॉप, MS लिखा है टॉप, MS कंपनी, और जो टॉप लिखा है जो कंप्रेसर रिंग होता है बीच का, इस पर ये देखिए। अब इसको कंप्रेसर रिंग को बीच में डालेंगे, देखिए इस पर देखिए एक कट भी बना होता है, आपको दिखा दें, जो जो कट, सॉरी, ये जो कट बनता है, कट बना होता है वो नीचे की साइड रहता है, इसमें नीचे की साइड दे रखा है, जिस पे जे इस तरीके का निशान रहेगा वो ऊपर की साइड रहेगा, जिस पे जे टॉप लिखा होगा, जैसे हर घर कोई कोई में टॉप टू लिखा होता है, टॉप वन लिखा होता है, उसमें नहीं लिखा, इसमें कंप्रेसर दे रखा है, इसमें इसके हिसाब से डाल देंगे हम। तो इसमें हम डालने जा रहे हैं इसको कंप्रेसर को, जो जो बीच में पड़ता है, इसका कंप्रेसर बीच में होता है, इसके लिए वो इसको हम डाल देंगे, फिर आपको दिखाएंगे आगे। इसको कंप्रेसरिंग भी डाल दिया, देखिए इस पर निशान लिखा होता है, ये देखिए टॉप आपको दिख रहा होगा हल्का सा, ये टॉप ऊपर की साइड रहता है, यानी कि टॉप ऊपर की साइड रहेगा, और ये देखिए जो इसमें हल्का सा खाँचा बना होता है, ये खाँचा बना है वो नीचे की साइड रहेगा, कोई 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 गाड़ी में ये खाँचा ऊपर होता है, इसमें नीचे, इसी तरीके से हम इसको हम अब इसका टॉप रिंग डालेंगे। टॉप रिंग आपको दिखा दें, जिसका चेंज ही रंग ही इसमें चेंज ही होता है, इसमें भी देखो लिखा होता है MS टॉप, सॉरी ये देखिए टॉप लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा, हाँ ये देखिए टॉप लिखा है। अब इस तरीके से हम इसको डाल देंगे, जो ऊपर की टॉप पे रहता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रहता है टॉप पर। अब इसको हम डालेंगे फिर आपको दिखाएंगे, जो टॉप रिंग हमने डाल दिया है, अब इसको हम जब इसमें ब्लॉक में डालेंगे फिर आपको दिखाएंगे। अब देखिए हम इसके दोनों पिस्टन के रिंग हम डाल लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसके ब्लॉक में जब डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे किस तरीके से सेट करे जाते हैं रिंग, किस तरीके से इसके अंदर ठोके जाते हैं, उसी तरीके से आपको हम दिखाएंगे। अभी हम इसके दोनों पिस्टन के रिंग डालेंगे, फिर आपको दिखाएंगे।
रिंग डालने जा रहे हैं, पिस्टन डालने जा रहे हैं इसमें ब्लॉक में। अब देखिए जिसके रिंग सेट करेंगे हम, पहले इस पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, यहाँ पर ऑयल लगता है, इसके स्लीव में ऑयल लगाएंगे। और ये क्रैंक पे देखिए, आपको क्रैंक बिल्कुल नीचे जस्ट होनी चाहिए, नीचे के साइड एक नंबर में पहले ठोकेंगे। और ये देखिए ये न्यूजल है इसकी, जिससे ऑयल आता है इसमें, वो ये वाला सुराख है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से ऑयल आता है इसका। अब इसी तरीके से हम पहले इसमें ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगा के इसमें रिंग बैठा लेंगे, फिर आपको दिखा रहे हैं। इसके रिंग सेट कर लिए, देखिए टॉप रिंग इस साइड रहेगा, ऑयलिंग इधर रहेगा, यहाँ पर देखिए कितना फ़र्क रहेगा, यहाँ से कितना फ़र्क, टॉप रिंग यहाँ पर रहेगा तो कंप्रेसर रिंग यहाँ पर रहेगा। ये देखिए कंप्रेसर रिंग यहाँ पर है, इसमें एक्स टाइम में बन जाता है, देखिए एक्स टाइम में इस तरीके से और इस तरीके से एक्स टाइम में बन जाता है। इसमें इसका ऑयल का कट है वो उधर, जो ऑयल का कट होता है, जो इसके स्प्रिंग का कट वो यहाँ पर है, और ये इसका कंप्रेसर कर जो टॉप रिंग का कट है वो इस कंप्रेसर रिंग के कट के सामने है। अब इसी तरीके से ये देखिए इसका जो निशान होता है पिस्टन का, पिस्टन का निशान जो बिंदक होती है जो रहेगी टाइमिंग की तरफ, एक नंबर टाइमिंग की तरफ रहेगी। इसी तरीके से हम इसको देखिए जो इसका रिंग कैचर है, जो पिस्टन टूल है इसका रिंग डालने वाला, अब इसको हम लगाएंगे यहाँ पर जो लगता है इस तरीके से, इसको हम लगा के इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम डाल देंगे पिस्टन को, फिर नीचे आपको दिखाएंगे। देख लीजिए एक बार यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर रहेगा और इसी तरीके से इसमें एक्स बन जाता है। अब इसी तरीके से हम इसको डाल देते हैं, मैंने इसका पिस्टन ठोक दिया। और ये देखिए इसका लगाएंगे स्केप जो आप लगता है, इस पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल लगा कर आपको दिखा दें। ये सॉरी, देखिए यहाँ पर ये कट होता है जो रहेगा इस वाले कट के सामने, यहाँ पर ये देखिए जस्ट इसके सामने यहाँ पर जो लगेगा इस तरीके से, इसको हम लगाएंगे और इसमें लगते हैं दो जे 10 नंबर के बोल्ट को या 8 नंबर के बोल्ट, ये होते हैं 8 नंबर ऊपर से होता है 10 नंबर के, इसको हम थोड़ा सा साफ करके अभी लगाएंगे, इसको लगा देंगे फिर आपको दिखा रहे हैं। इसके दोनों बोल्ट टाइट कर दिए, ओके। अब इसी तरीके से हम इसके दोनों रिंग के पिस्टन डाल देंगे, पिस्टन रिंग के डाल देंगे, ओके। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और बता दें हर डीजल गाड़ी के इसी तरीके से रिंग भर सकते हैं, से डीजल गाड़ी का कोई भी हो इंजन उसमें जो पढ़ सकते हैं इसी तरीके से, ओके।